Hey, what is up, people guys? This is your guitarist Siraj, and today we have Ruh Sharma, and she's the actor, model, and recently मैंने आपको national TV भी देखा, and एक दिन मैं Instagram scroll कर रहा था, और आपकी reel मेरे सामने आई, जिसमें आपके expression वो next level थे, male and female दोनों, तो I was curious to know मतलब क्या कैसे कर लेते हो ये सारी चीजें, तो सबसे पहले तो ये बताओ life चल कैसे रही आपकी? Har Har Mahadev. And first of all, Neeraj, thank you so much for having me here. I'm feeling so glad. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. Like for the first time, I'm doing podcast and. अगर रूम मैं बात करूँ आपके बारे में, तो आपने ये चीज़ discover कब करी? मतलब आपको कब पता लगा कि यार मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को शायद किसी को बताऊँ तो दिक्कत आ सकती है. But आप उसको अंदर feel कर रहे थे. तो ये चीज़ कब शुरू हुई आपकी life में? When I born. उसके बाद से ही कुछ सालों बाद से यू नो आई यूज टू प्ले विद ओनली गर्ल्स लाइक फैमिली जो गेम्स ज़्यादा होते हैं ना छोटे छोटे वहाँ से ये सब चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं एंड मेरे लिए ये ऐसा नहीं है कि ये एक रात का चेंज है या यू नो वन नाइट फीलिंग है या वन डे फीलिंग है नो इट्स माई होल लाइफ जो मैंने अब तक जिंदगी जी है ये मेरे शुरुआती जिंदगी के साथ मेरे साथ है. तो जब भी आपने होश संभाला ठीक है जब भी हमें समझ आता है कि भाई लाइफ में चल क्या रहा है चीज़ें चलती कैसे हैं देन यू रियलाइज इट कि आपको वो काम करने में मज़ा आता है जो लड़कियां करती हैं. एक पर्टिकुलर टाइम नहीं बता सकती मैं शायद ये कह सकती जब से टाइम मेरा शुरू हुआ पर आई वॉज आई थिंक 2 years ओल्ड I used to play with the dolls, I used to use my sister accessories, their clothes, मैं उनके कपड़े पहनना पसंद ज़्यादा करती थी तो वो शायद ये बचपन से है because you know, it's अगर मैं बात करूँ आपसे कि आपकी पसंद आपका हम अपनी पसंद का खाना खाते हैं राइट हम अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं हमारा अपना एक हमारा एक अपनी यू नो एक पसंद होती है राइट ये चीज़ कहीं से आती नहीं है आप बाय बॉर्न लेके पैदा होते हो ये चीज़ और रही बात लाइक लड़की के काम करने में या यू नो मेरा जो इंटरेस्ट था वो गर्ल्स के काम करने में ज़्यादा वो था ये मेरे अंदर बचपन से थी क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अंदर से खुद ही वो थी आई वॉज अ गर्ल आप फॉर एग्ज़ाम्पल हर इंसान कुछ ना कुछ कमी होती है हर इंसान में और वो उस चीज को करेक्ट कर लेता है यू नो लाइफ में आके मेहनत करके स्ट्रगल करके तो मैं इस चीज को ऐसे देखती हूँ कि हाँ कुछ एक कमी थी जो मैंने उस चीज को सही किया करेक्ट किया एंड दैट्स इट तो जब ये टाइम आपका बढ़ा ठीक है आपको रियलाइज हुआ कि यार अब तो मेरे को कहीं ना कहीं इस चीज को कन्फ्रंट करना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को फैमिली को बताना पड़ेगा एंड व्हाट आई फील इट्स नॉट इजी Being a guy, अपनी फैमिली में आपको बताना कि नहीं मेरे को ये नहीं ये पसंद है सिंगल गाय बीइंग अ सिंगल गाय एग्जैक्टली सो उनका क्या मतलब वो शॉक हो गए होंगे आई एम श्योर कि यार ये क्या बोल रही है रू या ये क्या बोल रहा है रू उस टाइम पे तो आपको ये बोलते होंगे तो उनके क्या रिएक्शन रहे थे जब उनको फर्स्ट टाइम पता लगा कि जब आपने सामने आके उनको बताया कि मैं जो है ऐसे ऐसे करके मेरे को लड़की बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है सी नीरज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो तहे दिल से थैंक यू महादेव उन्होंने मुझे इतनी खूबसूरत फैमिली दी मैं शायद उनके ज़िंदगी भर पैर धो के भी पीऊँगी तो वो कम है मेरे लिए ये ज़्यादा मुश्किल शायद इसीलिए नहीं था क्योंकि शायद वो मैं बचपन से लेके चल रही थी एंड पता है आपके माँ बाप को सब पता होता है आपके बारे में अपने बच्चे के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता होता है तो मैंने एग्जैक्ट उनको ये चीज़ नहीं बोली आके कि मम्मा देखो ऐसी ऐसी बात है या पापा देखो ऐसी ऐसी बात है धीरे 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 मैंने कुछ चीज़ें लाइक यू नो अब खुद अपनानी शुरू करी सबसे पहले आपको ना खुद को अपनाना बहुत ज़रूरी है तभी आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दे विल एक्सेप्ट यू एज अ वे यू आर सो फर्स्ट आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ देन जब वो चीज़ें दिखने लगी पेरेंट्स को भी मेरे फैमिली को भी वो चीज़ दिखने लगी तो हाँ कभी कभी कोई क्वेश्चन हो जाता था व्हाई आर यू डूइंग दिस यू नो व्हाई आर यू वेयरिंग इफ यू डोंट माइंड कुछ एक्सपीरियंस या फिर कोई एग्जांपल दे सकते हो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जब आपकी फैमिली को लगा यार ये क्यों कर रहा है तू हाँ मैं आपको अपने स्कूल का एग्जांपल दे सकती हूँ कि क्योंकि बिकॉज यू नो एक बार क्या हुआ था मेरे ना लाइक
टीचर थे पीटीआई, उन्होंने मुझे बहुत मारा। अच्छा, वो मारा एज इसलिए ऑलवेज. बिकॉज मैं प्रेयर में जाने से घबराती थी, असेंबली में जाने से मैं डरती थी। क्यों? वो इसलिए कि मेरे को बॉयज की लाइन में खड़ा होना अच्छा नहीं लगता था, ओके. गर्ल्स की लाइन में मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। एंड बॉयज़ की लाइन में जब मैं प्रेयर के लिए जाती थी तो वो बहुत टीज करना, चिढ़ाना, तो वो चीज़ ना इतनी ज़्यादा कई बार हो जाती है कि ना आप चार जनों के बीच में जाना भी आपको ना थोड़ा सा आपको हिम्मत चाहिए होती है। तो क्या हुआ कि मेरे को बहुत पोक कर रहे थे बॉयज़, तो मैं जाके गर्ल्स की लाइन में खड़ी हो गई। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मेरी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे जिनके साथ मैं खेलती हूँ, जिनके साथ मैं बात करती हूँ। तो पीटीआई ने देख लिया एंड उन्होंने बहुत मारा, बिकॉज उनको तो नहीं मालूम कि क्या चल रहा है मेरे अंदर या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, वो उनका नज़रिया भी वो गलत नहीं है अपनी जगह। तो मैं स्कूल जाने के लिए मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी ने ओके, बोला घर कि पे. हाँ, मैं कि नहीं, क्या हुआ, ये वो आया, मैं बहुत पेट में दर्द है, ये वो, डॉक्टर को बुला लेते हैं, ये वो, सब हुआ। वेल, फिर उसके बाद मैंने बताया, आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। आप खुद देखो 10th क्लास का बच्चा खुद कितना बड़ा हो जाता है, उसमें एग्जैक्टली कितना समझ तो बिहेव आ आ ही जाता जाती है। है बट स्टिल एटलीस्ट. आई वॉज सो सेंसिटिव एंड स्केयर टू गो स्कूल। एंड मैंने बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी बातें हैं कि मेरे को बच्चे चिढ़ाते हैं, मैं नहीं जाऊँगी। वो उस टाइम पे ना शी थोड़ा स्टार्टेड लाउड. दैट टाइम, उस वक्त से वो ना मुझे कुछ समझना शुरू हो गई। अच्छा. उन्होंने स्टार्टिंग में कोशिश भी करी कि हाँ ये शायद चीज़ ठीक भी हो सकती है। देखो हर माँ के लिए ना उसका बेटा कि नहीं मैं शायद इसको ठीक करवा सकती हूँ कुछ भी। उन्होंने मुझे कन्विंस करना शुरू किया, थोड़ा सा बताना। डॉक्टर्स के पास ले गए, कुछ ऐसा किया. नहीं, ऐसा नहीं किया मेरे ओके. पेरेंट्स ने कभी भी। तो उन्होंने ना मेरे को थोड़ा सा खुद से बोलना शुरू किया, समझाना शुरू किया धीरे धीरे धीरे। पर वो चीज़ कहाँ दबती है, अगर एक सूरज निकल रहा है तो वो निकलेगा, वो वापस नहीं जा सकता, है ना, बिल्कुल अगला बिल्कुल. दिन आ जाएगा बट वो वापस नहीं जाएगा। तो वो चीज़ दबी नहीं, वो धीरे 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 आते आते और आगे आई। और मेरे पेरेंट्स को मुझे बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ा, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं अपने दोस्तों के, अपने लोगों के, कि उन्हें घर तक छोड़ना पड़ जाता है। एग्जैक्टली, इट्स नॉट इजी थिंग. एंड पर आपने एक, मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देती हूँ। लोग ऐसा कहते हैं कि LGBTQ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ना एग्रेसिव या बोल्ड. बहुत चिड़चिड़े होते हैं। सो उसमें क्या होता है ना नीरज, कि लोगों को लगता है कि नहीं ये बहुत एग्रेसिव हैं, चिड़चिड़े हैं, अपने में हैं, पर ऐसा नहीं है। बचपन से अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति बहुत थोड़ा सा फैट है, उसको अगर आप 24/7 2 दिन के लिए बोलना शुरू करो मोटा मोटा मोटा, थर्ड डे वो इतना इरिटेट हो जाएगा कि वो आपको जवाब दे देगा, बिल्कुल. चाहे वो आपका कितना अच्छा मित्र दोस्त क्यों ना हो। तो एक बच्चा जब बचपन से जवानी तक ये सुनता हुआ आ रहा होता है, क्योंकि लोगों के लिए ना ये एक बात है, देखो ये गे है, ये ट्रांसजेंडर है, या ये लेस्बियन है, या ये ये मोटा है, ये पतला, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जैक्टली. मोटा है, ये पतला है, लोगों के लिए ये एक टॉपिक है, एक वाक्य है, मगर जो ये झेल रहा है उसके लिए पूरी जिंदगी है, वो जी रहा है इस चीज़ में, और वो टिल द लास्ट ब्रेथ वो जिएगा, राइट। बिल्कुल. तो इसलिए लोग इतने इरिटेट हो जाते हैं, लोग इतने अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ना भरोसा नहीं रहता। फिर वी चूज समटाइम हम इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि वी चूज़ पीपल टू टॉक, कि हमें किससे बात करनी है, किससे बात करके हमारी रूह को सुकून मिलेगा, मुझे अंदर से अच्छा लगेगा कि हाँ मैं इससे बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये मेरे को समझेगा या समझेगी, ये मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा नहीं उड़ाएगी। तो ये रीज़न है कि वो लोग वो ना इरिटेट, वो बुरे नहीं हैं कोई भी, कई बार सिचुएशन और टाइम उनको ऐसा बना देता है, एक्सपीरियंसेस ऐसे बना देते हैं कि वो इस तरीके से ना रिएक्ट करते हैं कि अगर आप नॉर्मली भी पूछोगे ना तो उनको लगेगा कि नहीं यार ये ज़रूर मजाक उड़ाने।
आप उनको प्यार से बात करिए, प्यार से एक्सेप्ट करिए, वो आपको ऐसे रूडली रिप्लाई ही नहीं करेंगे। स्कूल टाइम पे बुली होते थे? बहुत हुई हूँ मैं तो, शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड से हुई हूँ। अच्छा, ओके. ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो शायद मैं अपनी ज़बान पे लाना भी नहीं चाहूँगी। आई एम अ शिफ्ट फॉलोवर एंड मैं ये समझती हूँ मैं अपनी ज़बान से जो भी शब्द निकालूंगी वो इस कहीं ना कहीं ब्रह्मांड इस यूनिवर्स में जाएगा और वो मेरी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल. बाकी जो रही बात शब्दों की, वर्ड्स की, जो मैंने अपने स्कूल लाइफ में सुने हैं वो ऐसे ऐसे भयंकर हैं जो शायद यूजुअली अगर कोई नॉर्मल आदमी सुने तो उसके लिए तो ये हो जाएगा कि अरे यार क्या कह रहे हैं। तो हाँ, स्कूल लाइफ से बहुत बुली हुई हूँ और अब टच वुड अपने आप को इतना वक्त ने ग्रूम कर दिया मुझे, या समझ दे दी कि वो चीज़ अब शायद बहुत कम ना के बराबर होती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और बिफोर द ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ में आई एम श्योर बहुत सडन चेंजेस आए होंगे, ठीक है, तो वो चेंजेस क्या रहे हैं? करंट टाइम की अगर मैं आपसे बात करूं तो हर एक नया दिन मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। जब मैं सुबह उठकर अपने आप को शीशे में देखती हूँ, आई सी माई सेल्फ कंप्लीट, राइट? एंड बिफोर और आफ्टर की अगर मैं बात करूँ तो चेंजेस खाली आपके शरीर में नहीं आते, चेंजेस आपकी पूरी ज़िंदगी में आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों के लिए सिर्फ एक बात है, अरे देखो ट्रांस हो गए, तो अरे देखो देखो इसने अपने आप को चेंज कर लिया, इसने देखो अपना ऑपरेशन करवा लिया, या सर्जरी करा लिया, ये देखो ये पहले लड़का था अब ये लड़की बन गई, या ये लड़की थी अब ये लड़का बन गया। आपके लिए वो एक बात, किसी के लिए वो पूरी ज़िंदगी है, राइट? दूसरा, आपको नहीं मालूम उसने ये चीज़ पाने के लिए क्या झेला है, क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं, क्या फेस किया है, आपको नहीं पता किसी की भी स्टोरी। बिल्कुल सही बात है. तो हमें कभी भी ऐसे शब्द किसी को नहीं बोलने चाहिए जो जो ज़बान से निकल तो जाते हैं एक बारी, मगर वो दिल को ना, एक बारी ज़बान से निकलेंगे मगर वो किसी के दिल को बार बार डैमेज करेंगे, आपकी राइट? आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जब हुई, आई एम श्योर आपकी फैमिली, जो हमारी क्लोज फैमिली होती है, वो तो हमें चलो जैसे भी हम एक्सेप्ट कर ही लेती है. व्हेन इट कम्स टू रिलेटिव, जो क्रिटिसाइज करने में टाइम नहीं लगाता, उनको मौका चाहिए होता है, ठीक है, तो उनका क्या रिएक्शन था और वो कितना, क्योंकि चलो आप तक माइट भी बातें ना भी पहुँचती हो या पहुँचती हो, लेकिन उस बेसिस पे आई नो, आई एम श्योर कि आपकी फैमिली यानी कि आपकी मदर, आपके डैड, इनको कुछ ना कुछ तो बोला गया होगा कि मतलब ये क्या चल रहा है, ऐसा नहीं होता, ये तो बनावटी है, ऐसा सच में पॉसिबल ही नहीं है. तो कुछ सुनने में कभी आपको आया कि आपके किसी रिलेटिव ने फला फला रूह के बारे में ऐसा बोला, या उनको जब आपने फेस किया, अब जब आप उनको फेस करते हो तो क्या बदलाव दिखते हैं उनके रिएक्शन में? नीरज, मैं जो ये रिलेटिव वाली चीज़ आपने बोली, बहुत कम ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनके साथ मैं अभी टच में होंगी, ठीक है? एंड कुछ हैं जो बहुत अभी भी मुझे ऐसे प्यार करते हैं, जिनसे मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। रही बात उनके क्या रिएक्शंस हैं वो मेरे तक पहुँचे या नहीं, नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे नहीं बताए। क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स को शायद ये चीज़ पता है या समझ में आ गई है, क्योंकि जो चीज़ हो गई है, बदल चुकी है, वो रिवर्स तो जा नहीं सकती। बिल्कुल. तो कम से कम हमारा बच्चा जो है अभी हैप्पीली जो अपनी लाइफ जी रहा है, ऑलरेडी दुनिया बहुत कुछ बोलती है। कुछ अगर रिलेटिव्स की बातें भी अगर वो चली जाएंगी उसके पास तो वो और इट वुड बी लाइक अ मोर बैड एक्सपीरियंस फॉर हिम और हर। तो मेरे तक तो खैर नहीं आती, पर ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स को आई होंगी, या यूजुअली पेरेंट्स को रिलेटिव्स की बातें जाती है, पर हाँ जाना आना बहुत कम हो जाता है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी इस ज़िंदगी से उस ज़िंदगी में आते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, आपके दोस्त हों, या आपके रिलेटिव्स हों। फैमिली फंक्शंस में इनवाइट करते हैं हाँ, दे डू इनवाइट मी, पर मैं शायद जस्ट फॉर शुरू, फॉर्मेलिटी. हाँ नहीं, ऐसा भी नहीं है कि जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, बट मैं शायद शुरू से ही बहुत कम जाती हूँ। व्हेन आई वाज लाइक इन अ डिफरेंट पर्सनैलिटी और डिफरेंट मैं तब से ही बहुत कम जाती हूँ, तो मुझे शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से। एक्चुअली रू, मुझे ये लगता है कि ना जो हमारा समाज है,
वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में क्यों कतराता है। मैं आपको आपको इसका एक रीज़न देता हूँ जो मेरे को लगता है, फिर मैं आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछूंगा। मतलब जनरली देखा गया है ऐसा, जो भी LGBTQ कम्युनिटी से होते हैं वो ज़्यादातर आप कह सकते हो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। एंड उनको देख के अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी नॉर्मल किसी भी शॉपिंग मॉल में गए हो, कहीं भी गए हो आप, ठीक है, वो आपको नॉर्मल ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि उनके माइंड में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल चीज़ भर दी गई है कि ये लोग जो हैं इस तरीके के ही होते हैं। बात एक्सेप्ट करने में नहीं हुई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि इनका काम कैसा है, ये करते क्या हैं, ये क्या अच्छी जॉब कर सकते हैं, ये इस लायक हैं, ये सोच होती है लोगों की जो सोचते हैं कि ये कॉर्पोरेट्स में काम कर सकते हैं, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है। सो मेरे को लगता है इस वजह से लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? आप उनको काम दे दो वो प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जाएंगे, आप उनको काम दे दो वो गलत काम में नहीं जाएंगे। आप अगर ये कह के एक आर्टिस्ट को रिजेक्ट कर रहे हो उसकी पर्सनल ओरिएंटेशंस के बेसिस पे, तो आप कैसे किसी आर्टिस्ट की आर्ट को एंजॉय करोगे? राइट? अगर इफ आई वांट टू एंजॉय सम यू नो म्यूजिक और अ डांस परफॉर्मेंस और शो, और अगर मैं ये देखूँ कि नहीं ये म्यूज़िक किसने गाया है, क्या ये फीमेल ने गाया है या ये मेल ने गाया है या ये किसी ट्रांस ने गाया है, अगर मैं ये देख के म्यूज़िक सुनूंगी तो मैं शायद उस चीज़ को म्यूज़िक को एंजॉय नहीं कर पाऊँगी। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर दैट ब्यूटिफुल वॉइस, वो किसकी है, राइट? तो मैं ये मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो प्रोस्टिट्यूशन में जाते हैं या कुछ भी ऐसे। देखो प्रोस्टिट्यूशन में गर्ल्स बॉय कोई भी हो सकता है, हर किसी को अपना पेट भरना है, हर किसी को भाई काम करना है जीने के लिए, पैसा कपड़ा और खाना तीनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आपको फॉर एग्जांपल काम ही नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? आप कुछ तो करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि चोरी या डाका डालोगे, वो भी करते हैं खैर लोग। हाँ हाँ सी, अब अगर बात करूँ LGBT से हटके, LGBTQ से हटके, तो नॉर्मल चोर एंड वो लाइक इतने जो डाका डालते हैं, चोरियाँ करते हैं, रॉबर्स होते हैं, चेन खींच के भाग जाते हैं, तो फिर आप उनको क्यों नहीं पॉइंट करते कि ये लोग ऐसे ही होते हैं? वाई LGBTQ? वाई? बिकॉज आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप उनको काम ही नहीं दोगे। अगर आप ओरिएंटेशन के बेसिस पे किसी आर्टिस्ट को जज करके उसकी आर्ट को एंजॉय नहीं करोगे तो फिर वो कुछ तो करेंगे, कोई भी कुछ तो करेगा। हटा दो ये चीज़ LGBTQ, कोई भी इंसान हो, कोई भी पर्सन हो, वो अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए कोई काम तो करेगा ही करेगा। सो ऐसा नहीं है कि LGBTQ को लाइक प्रोस्टिट्यूशन के लिए ही देखा जाता है। आज अगर आप देखोगे तो हर सेक्टर में लाइक चाहे वो फैशन इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री है, या वो यू नो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, या वो इंडस्ट्रियल एरिया, जो भी इंडस्ट्री से बात करो, दे आर वर्किंग वेरी गुड। दे हैव ग्रूम देयर सेल्फ कि आज वो भी नॉर्मल लोगों की तरह काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये कहीं इमेजिनेशन तो नहीं है कि यार शायद ही मैं ऐसा कुछ फील करता हूँ और मैं सच में ऐसा ना हूँ? क्या पता ये एक इमेजिनेशन हो कि मैं मेरे को लड़कों में इंटरेस्ट है, मैं लड़का हूँ और मेरे को लड़कों में इंटरेस्ट है, क्या पता ये सिर्फ जस्ट मेरी इमेजिनेशन हो या मैं इन्फ्लुएंस हो रखा हूँ? आपको क्या लगता है ये बात सच है? शायद मेरे पेट में दर्द है, कितने टाइम तक इमेजिन कर सकते हो? कर सकते हो आप बहुत लाइक एक दिन पूरा कर सकते हो आपकी? हाँ आज मेरे पेट में दर्द है, आई थिंक एक दिन तो ज़्यादा हो जाएगा। नहीं कर सकते ना। How can we can expect from a person that वो एक imagination ही है? वो imagination नहीं है, या ये कोई disease नहीं है, कोई बीमारी नहीं है? This is come when you born, it come from that time. वो तब आपके जन्म से आती है आपके साथ। क्यों? आपकी रूह अलग है मगर आपका शरीर अलग है। और अगर आप उस चीज़ को करेक्ट कर लेते हो तो उसमें कोई खराबी नहीं है। मैंने बहुत से लोगों की ना कमेंट्स भी देखे हैं बहुत से लोगों के उस पर कि प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, या यू नो आप नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, क्या आप सिक्स पैक्स एब लेके पैदा हुए थे?
या आप अपनी मसल्स या आप अपनी बाइसेप्स लेके पैदा हुए थे, आपने इनको ट्रांसफॉर्म ही तो किया है, आपने इस चीज़ पे मेहनत ही तो करी है, आपने भी तो प्रोटीन लिया है, स्टेरॉइड्स लिए हैं आपने, आई एम नॉट सेइंग टू यू इन अ जनरली आई एम सेइंग, आपने भी लाइक हो सकता है कि कुछ ऐसे वो क्या खाते हैं बॉयज़, आई मीन गेनर, यू नो आपने भी तो वो चीज़ ली अपने आप को बदलने के लिए, वाई, बिकॉज यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ एज यू फील फ्रॉम इनसाइड। सो मैंने ये देखा है आपकी स्टोरीज में और आपकी इंस्टाग्राम की रील्स में भी कई बार देखा है मैंने कि यू फॉलो शिवा वेरी पैशनेटली, एंड मतलब इस कम्युनिटी से मैंने ये चीज़ बहुत कम देखी है। मतलब आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, मतलब हाउ आप कैसे इस चीज़ में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटी वाली चीज़ नहीं है इसमें, आई मीन नहीं आनी चाहिए, बिकॉज अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स ही आपको इस कम्युनिटी से आती होंगी। तो बात अगर भक्ति भावना की बात करूँ तो वो हर इंसान में होती है, वो डिपेंड करता है कि इंसान कितना उसमें डीप है कितना नहीं है। तो रही बात कम्युनिटी वाली, तो ऐसा नहीं है इस मतलब LGBT, क्योंकि लोग तो बहुत ज़्यादा गौरी शंकर भोलेनाथ देवी बहुत फॉलो करते हैं, बहुत उनकी स्पिरिचुअल होते हैं वो लोग। और रही बात शिव से मेरा, तो वो कहते हैं ना सांसों की माला पे, तो वो जो मेरी सांस है उसमें ओम नमः शिवाय चलता है। एंड मैंने भोलेनाथ से ये सीखा है लाइक वक्त पे आपको शांत रहना भी ज़रूरी है, आपको अपना ऑरा इंजॉय करना भी ज़रूरी है, और आपको महाकाल बनना भी ज़रूरी है। इंसान बनो मूर्ख नहीं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, मगर तब भी उन्होंने रावण को मारा, ताड़का को मारा। भगवान श्री कृष्ण रास लीला करते थे, बहुत सच अ लविंग पर्सनैलिटी, बट स्टिल उन्होंने कंस और पूतना का भी अंत किया। तो मैंने अपने भोलेनाथ से, अपने महादेव से मैंने ये सीखा है, आपको हर वक्त के अकॉर्डिंग अपने आप को कैरी करके रखना चाहिए, अपने आप को ढालना चाहिए हर सिचुएशन हर वक्त के अकॉर्डिंग। और रही बात शिव को फॉलो करने की, तो अब तो बस जो करते हैं भोलेनाथ करते हैं, बस हम तो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव नहीं, हर हर महादेव। तो रूह मैंने ये देखा है, ये मेरा बचपन से एक एक्सपीरियंस रहा है। मतलब जब से मेरे को समझ आई थी, मैंने देखा था कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो किन्नर समाज के लोग आते हैं, उसको ब्लेसिंग देते हैं, ठीक है। और ये भी देखा है मैंने कि अगर वो फैमिली उनको पे ऑफ नहीं करती, पैसे नहीं देती, तो उनकी ब्लेसिंग जो है वो एक श्राप में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब वो बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाते हैं। तो मतलब क्या ये ब्लेसिंग सिर्फ पैसों के लिए, या सिर्फ एक ये बिजनेस है, या वो इस चीज़ को फील करते भी हैं एक्चुअली में, या फिर जस्ट ये दिखावा है। आप अगर एक जॉब करते हैं बहुत अच्छी, और आपने अपना अपने अपना काम जो है बहुत पैशनेटली मतलब बहुत अच्छे दिल से किया है, आपने अपना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, अगर आपको उस चीज़ का अप्रिसिएशन ना मिले तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ये ह्यूमन नेचर है किसी भी हर, अभी हम इस चीज़ को ना ला लेके कि लाइक LGBTQ या किन्नर जो होते हैं, अगर एक नॉर्मल ह्यूमन किसी को भी उसके काम का अप्रिसिएशन ना मिले तो उसको एंग्री वो होगा, और किन्नर भी तो इंसान ही है जिसका जीवन जीने का एक कहते हैं ना सोर्स ऑफ इनकम वो है। आप फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइक किन्नर है या ट्रांसजेंडर है, जो अगर वो अच्छी जॉब कर रहे हैं तो वो ये काम नहीं करेंगे। हाँ, फिर तो आएंगे ना डेफिनेटली। एग्जैक्टली तो अगर उनके दिल से वो एक अनकंडीशनली ब्लेसिंग्स निकल है ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको, वो आ रहे हैं, आपने इतना आपको डांस हो गया, इतना अच्छा एक वाइब क्रिएट हो जाती है उस टाइम पे, इतनी हैप्पी वाइब, उसके बदले में अगर आपको एक छोटा सा एक टोकन ऑफ लव, मैं पैसे नहीं बोलूँगी मनी नहीं बोलूँगी उस चीज़ को, एक टोकन ऑफ ब्लेसिंग टोकन ऑफ लव अगर आपको देना है तो उसमें क्या गलत है? उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपका क्या ऐसी चीज़ आपसे मांग ली जो आप नहीं सक्षम है? और रही बात पैसों की, तो सी हर इंसान ना दूसरे इंसान को देखकर ही उससे एक्सपेक्ट करता है। अगर दिखता है कि हाँ यहाँ पे मेरे को
इतना हो जाएगा कि मेरे लिए भी वो सही है और सामने वाले को के देने के लिए भी सही है, तो वो मैं नहीं मानती उसमें कुछ गलत है। आपको दिल से, इज्जत से टोकन ऑफ लव उनको देना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो यही था पॉडकास्ट रू। एंड अगेन आई मस्ट से यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। एंड मेरे जो परस्पेक्टिव था टूवर्ड्स दिस कम्युनिटी LGBTQ काफ़ी हद तक चेंज हुआ। एंड आई एम श्योर कि जो भी ये पॉडकास्ट देखेंगे उनको भी काफ़ी कुछ समझ आएगा, कुछ अंदर की बातें जो आपने डिस्क्लोज करी हैं वो समझ आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल नीरज, थैंक यू सो मच टू हैविंग मी हियर एंड इट्स लाइक एट द बॉटम ऑफ माई हार्ट्स ब्लेस यू। जस्ट टू लाइक देर इज टू मैसेज, टू थिंग्स आई वॉन्ट टू यू नो स्पेंड इन द पीपल एंड वॉन्ट टू टेल देम कि आप एक इंसान को इंसान बनकर ही ट्रीट करें, एक इन बिकॉज यू नो इट्स कॉल्ड जीरो टू ट्रीट समवन विद रिस्पेक्ट। जो ये एक नॉर्मल एक कंप्लेन है ना कि नहीं हेट आ जाता है, अग्रेशन आ जाता है, यू नो एक तहजीब, जब तक आप किसी को तहजीब दे के बात नहीं करेंगे आप उम्मीद भी मत रखिए वो चीज़ आपको मिलेगी। दूसरा, आर्ट को एंजॉय करिए, आर्टिस्ट को जज मत करिए। तो जो आपके क्वेश्चन थे जिससे रिलेटेड थे, आप खुद देखना ये चीज़ अपने आप और ऑलरेडी ख़त्म हुई है बहुत, बाकी और ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। हम श्योर, और दैट्स ऐसा चेंज आना भी चाहिए जहाँ पे हम बिल्कुल सबको एक समान नज़र से देखें। एग्जैक्टली एंड आई एम श्योर आप जैसे लोग इस चीज़ को डेफिनेटली चेंज कर भी रहे हैं, क्योंकि द वे यू कैरी योर सेल्फ, द वे यू पोर्ट्रे योर सेल्फ इज एक्चुअली डिफरेंट एंड इट्स इन अ गुड वे, इट्स वेरी गुड। सो व्हाट आई फील कि हाँ डेफिनेटली एंड द कास्ट के लिए मेन मेन थिंग वी शुड फॉलो इन हर एक यू नो हर एक पर्सन को अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, लीव एंड लेट लीव। अगर आप ये अपेक्षा दूसरों से करते ना, कोई हमको परेशान ना करे, हमें अपनी ज़िंदगी जैसे जीनी है हम जिए, तो आप दूसरों के लिए भी सेम चीज़ फॉलो करें। अगर कोई इंसान कुछ भी बनकर किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है तो आप उसको जीने दो। वो चीज़ तब तक गलत नहीं है, किसी कोई इंसान अगर कुछ भी कर रहा है वो चीज़ तब तक गलत नहीं है अगर किसी इंसान के ज़िंदगी में उससे हार्म नहीं हो रहा। आप कर कोई बंदा ट्रांसफॉर्म हो रहा है या यू नो कुछ भी अपनी लाइफ में बदलाव कर रहा है, अगर आपकी ज़िंदगी में उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सो इफ़ यू एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम समवन दैट दिस और लाइक यू नो द पीपल शुड नॉट इंटरफेयर इन माई लाइफ, देन यू शुड नॉट ऑल्सो। I'm sure. So thank you so much for watching this video and I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। And if you like this video, please make sure to hit the like button and comment करके बताना कि इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था। And मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ, आपको पता ही है। Please subscribe to the channel and I'll see you the next one. Bye bye, take care.